हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर में आपका स्वागत है एंड बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार अब इन्वेस्ट फॉर हो गया है so, सो अगर हम बात करें इस वीडियो में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक स्टॉक से रिलेटेड जो मुझे लगता है कि ट्रेडिशनल अगर बात करें पोजिशनल ट्रेडिंग के पर्पज से आपको अच्छा खासा गेंद दे सकता है और अच्छा खासा गेंद भी नहीं दिया तो विन विन सिचुएशन है वो कंपनी इतनी फंडामेंटली स्ट्रांग है कि वो अच्छा खासा भागती हुई नजर आएगी बट मुझे लगता है कि आपको अच्छा खासा गेंद मिलेगा नेक्स्ट मंडे तक तो मैं उसे

दूसरे लोगों से भी आप कनेक्ट कराइए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप कर आपको ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट ओपन करना है क्लिक करें फ्री में अकाउंट ओपन हो जाएगा और प्लेलिस्ट की अगर बात करें आपकी सहूलियत के लिए हमने यहाँ पर प्लेलिस्ट बना रखी है फ्री में अगर सॉरी आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं और आपको स्टॉक मार्केट में कैसे रिलेटेड बेसिक uh, नॉलेज जो होती है वो आपको मिल जाएगी यहाँ पर आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगी Q4 के रिजल्ट आपको देखने है, यहाँ पर आप मिल जाएगा और बात करें यहाँ पर ब्रेकआउट स्टॉक से रिलेटेड यहाँ पर आपसे आप बातें की गई है तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं और जिस शेयर से रिलेटेड हम बातें करने जा रहे हैं काफी बेहतरीन स्टॉक है और स्टॉक का नाम है शेयर का नाम है मिंडा इंडस्ट्रीज मिंडा इंडस्ट्रीज की बात करें तो क्या करती हुई नजर आती है तो ये ऑटो एंसिलरीज में कंपनी काम करती हुई नजर आती है आज के दिन की चार्ट पैटर्न की बात करें ओके okay, ऊपर गया फिर नीचे गया मतलब एक था जिस तरीके से मार्केट चल रही थी था आज फाइव डेज का भी अगर बात करें यहाँ पर फाइव डेज में पर एक अच्छी खासी गिरावट है वन मंथ की बात करें वन मंथ में यहाँ पर शेयर ऊपर की तरफ जो पॉजिटिव यहां रुझान है सिक्स मंथ में भी अच्छा खासा दिया है खासे गेंदरटेल डेट में भी अच्छा खासा गेंद दिया है वन ईयर में भी अच्छा खासा गेंद दिया है फाइव ईयरस में यहां पर बात करें अच्छे खासी गेंद है मैक्सिमम चार्ट पैटर्न

तो अगर यहाँ पर होगी तो एक बार देख लेते हैं हाँ देख लीजिए नौ महीने पहले ही वीडियो बनाई थी बड़ा लंबा टाइम हो गया है तो यहाँ पर जब प्राइस था अगर हम बात करें अच्छा तो यहाँ पर नजर आया था यहाँ पर अगर देख लेते हैं थोड़ा सा तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्राइस क्या था तो मतलब यहाँ पर देख लीजिए लगभग थ्री फोर्टी के आसपास का प्राइस था और आज की डेट की बात करें फाइव तो एटी फाइव रुपीज के आसपास का प्राइस है लगभग लगभग अच्छा खासा गेन आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है लगभग दो सौ चालीस रुपए का यहाँ पर जंप है नौ महीने के अंदर बहुत बेहतरीन गेन होता है बात करते हैं और कुछ पैरामीटर की तो यहाँ पर देख लीजिए आज की डिलीवरी बेसिस तो आज के दिन एटी के लगभग के शेयर यहाँ पर डिलीवरी बेसिस पर गए 52 पोटा गया टू सिक्सटी फाइव रुपीज का शेयर है सिक्स ट्वेंटी फाइव रुपीज यहाँ पर हाइएस्ट जाके कुछ टाइम पहले ही आया था उसके बाद यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया है इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर और कुछ चीजों से रिलेटेड तो यहाँ पर आप देख लीजिए यहाँ पर कंपनी डिविडेंड भी देती हुई नजर आती है राइट इशू भी कंपनी लाती रहती है और यहां पर अगर हम देखें तो यहाँ पर कोई सत्तर के शेयर प्रमोटर्स के पास है कोई भी शेयर गिर भी नहीं है तो आप इस चीज को ध्यान में रख सकते हैं बात करें क्यों मैं आपको कह रहा हूँ पोजिशनल ट्रेडिंग तो पोजिशनल ट्रेडिंग के परपज है एक तो रिजल्ट और रिजल्ट से रिलेटेड क्या है अभी मैं आगे बताऊंगा रिजल्ट यहाँ देख लीजिए तेरह तारीख को यहाँ पर रिजल्ट है संडे वो के दिन आई थिंक संडे संडेन को तो यहाँ पर रिजल्ट है और मंडे को ये शेयर भागता हुआ नजर आएगा

यहाँ पर देखिए यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर अवार्ड भी मिलते आते हैं 2020 में एक यू अवार्ड मिला है यूनो मिंडा के नाम से जाना जाता है एज वेल एज अगर बात करें यहाँ पर और भी कुछ से रिलेटेड इन्वेस्टर्स गाइड यहाँ पर अगर बात करें कनेक्ट आइडियाज करियर अपॉर्चुनिटीज ओके एज वेल एज यू नो मीडिया मतलब ये जो प्रोडक्ट्स है यहाँ पर देखिए प्रेजेंस देखिए ये ऑल अराउंड द वर्ल्ड यहाँ पर काम करती हुई नजर आती है साउथ अमेरिका ओके यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका एज वेल एज यहाँ पर कुछ मिडिल ईस्ट में रशिया रशिया साइड में यहाँ पर इंडिया में और यहाँ पर अच्छे खासे यहाँ पर कंट्रीज में ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है तो ग्लोबल प्रेजेंस है इस कंपनी की और जो ये प्रोडक्ट्स आप देख रहे हैं ये हेडलाइट देख रहे हैं ओके okay, पर एक रिलेटेड ये सब कुछ यही बनाती है ये जो व्हील वाला जो आपका होता है इसी कंपनी बनाती हुई नजर आती है ये स्टूडियोज़ ये सब चीज यही कंपनी बनाती हुई नजर आती है तो यहाँ देखिए इनके क्लाइंट्स देखें इंटरनेशनली बीएमडब्ल्यू फोर्ड होंडा केटीएम कास्का एम कॉस्ट पेजियो निशान और भी यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको एक पूरी लिस्ट आ जाएगी ये इंटरनेशनल क्लाइंट्स की बात हो रही है इनके यहाँ पर देख लीजिए टीवीएस बात करते हैं डोमेस्टिक क्लाइंट्स तो यहाँ पर डोमेस्टिक क्लाइंट्स भी आप पर देख लीजिए यही ये, ये यही सारे के सारे डोमेस्टिक क्लाइंट्स जो बजाज के टी एम महिंद्रा ये सारे के सारे डोमेस्टिक क्लाइंट्स हैं इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी फोर्ड वगैरह जो आपको नाम बता दिए है ओके बी एमडब्ल्यू होंडा ये सारे के सारे इनके देख लीजिए ये इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं टू व्हीलर में कंपनी काम करती हुई नजर आती है फोर व्हीलर में भी ये कंपनी देखिए अच्छा खासा काम करती हुई नजर आती है और ऑफ रोड की बात करें इन यहां पर ये भी कंपनी काम करती हुई नजर आती है और ये अच्छे खासे प्रोडक्ट्स बनाती हुई प्रोडक्ट्स बनाती हुई नजर आती है इन फोर व्हीलर टू व्हीलर और ऑफ रोड्स के लिए पहले बात अब बात करते हैं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग क्यों है तो जहां पर सारी कंपनीज ऑटो एनसिलिटी ऑटो सेलिट्रीज शेयर आज से पांच दो हजार अठारह की बात करें तो गिरते हुए दिखाई दिए थे एक ये ऐसी कम, कंपनी थी जो कि लगभग कंसोलिडेट कर रही थी इतना नहीं गिरी थी अगर बात करें टाटा मोटर्स की तो यहाँ पर पांच सौ रुपए से, से आपका शेयर यहाँ पर साठ रुपए इस, इस के साथ ऐसा नहीं था यह कंपनी पेंडेमिक में थोड़ी बहुत जरूर गिरी थी फिर उसके बाद जो कम किया है लगभग आपको रिटर्न दे दिया है फिफ्टी का डेट है कोई प्लेजिंग नहीं है आरोपी इलेवन परसेंट है फिफ्टी थाउजेंड सिक्स थर्टी थ्री करोड़ रुपीज का मार्केट कैपिटल है यहाँ पर देखिए लाइट

और मैं पुरानी वीडियो दे दूंगा तो आप एक बार आपको आइडिया आ जाएगा क्वार्टरली रिजल्ट से रिलेटेड अगर बात करें तो हाईएस्ट एवर इस बार के जो रिजल्ट थे दिसंबर क्वार्टर के तो अच्छे हाईएस्ट एवर रिजल्ट थे और इस बार के रिजल्ट और भी अच्छे बेहतरीन आते हुए आने की उम्मीद है यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइएस्ट एवर रिजल्ट थे हाइएस्ट एवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट था ओके okay, क्योंकि यहाँ पर कार की सेल्स टू व्हील टू व्हीलर की सेल्स ज्यादा होती हुई दिखाई दी यहाँ पर नेट प्रॉफिट तो नेट प्रॉफिट में गिरावट थी बट स्टिल बात करें अच्छा खासा कंपनी ने परफॉर्म किया है और इली बेसिस पे बात करें तो इयरली बेसिस पे कंसिस्टेंसी यहाँ पर दिखाई दे रही है जो कि प्रॉफिट में रेवेन्यू में यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि पहले छह फिर नौ फिर एक हजार एक सौ अस्सी एक हजार तीन सौ एक हजार सात सौ दो हजार दो हजार पांच सौ

और अच्छा क्लाइंट है नेट प्रॉफिट की बात करें हाईएस्ट एवर यहाँ पर नेट प्रॉफिट आई रहा था बट यहाँ पर एक दो साल से देखिए पेंडम यहाँ पर 2018 में Uh, यहाँ पर uh, पूरी सेक्टर यहाँ पर डाउन था तो, बट स्टिल यहाँ पर कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म कर रही थी दोबारा अच्छा खासा परफॉर्म करेगी ये उम्मीद है रिजर्व्स की बात करें अच्छे खास रिजर्व का लोन है बट यहाँ पर सितंबर में बात करें थोड़ा बहुत लोन इन्होंने चुका दिया है फिर तो यहाँ पर देखिए कंपनी अपने आप को एक्सपेंड कर रही है ज्यादा पैसा खर्च कर रही है अपने तक कैपेक्स में कैपिटल एक्सपेंडिचर में यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट की बात करें चार करोड़ का इन्वेस्टमेंट है कैश भी अगर बात करें कैश भी अच्छा खासा कंपनी के पास है टू नाइनटी एट करोड़ रुपीज का और यहाँ पर और भी कुछ पैरामीटर्स की बात करें कंपनी के जो प्रोमोटर्स है उन्होंने कोई भी शेयर गिर भी नहीं रखे और उसके बाद कोई भी शेयर बेचे भी नहीं है यहाँ पर बात करें सेप्टेम्बर में होल्डिंग बढ़ाई है 0.01% की होल्डिंग यहाँ पर मार्च में थोड़ी सी कम होती दिखाई दी है बट कोई इशू नहीं है की बात केवल और केवल यहाँ पर कंपनी के पास यहाँ पर लोगों के पास पांच की हिस्सेदारी है इतनी बड़ी कंपनी में तो इस चीज को ध्यान रखिए और बात करूं कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि अच्छे नंबर आएंगे तो अच्छे नंबर आने का रीजन ये है की इनकी जो कॉम्पिटिटर कंपनीज है बात करें जो इनके आ, राइवल्स कह सकते हैं या फिर इनके आ, जो आ, जो इनके कॉम्पिटिटर हैं उनके हाईएस्ट एवर रिवेन्यू आते हुए दिखाई दिए जे टी, टी की बात करें एज वेल एज अगर बात करते हैं यहाँ पर मदरसन सोमी की Okay, यहाँ पर उनके हाइस्ट एवर मिंडा इंडस्ट्री पीछे नहीं रहेगी और यहाँ पर अगर बात करें इस कंपनी से देखिए चार्ट पैटर्न तो कुछ नहीं बन रहा है बट यहाँ पर मुझे क्या लग रहा है तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा शेयर यहाँ पर यहाँ पर जो रिजल्ट है ओके okay, यहाँ पर ये यह जो शेयर था सिक्स के आसपास आके यहाँ पर गिरा था ओके okay, तो यहाँ पर दोबारा से इस लेवल पर जा सकता है और एक थोड़े बहुत अगर बात करें फाइव टेन परसेंट का यहाँ पर गेन आपको मिल सकते हैं शॉर्ट टर्म में, में क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक रैली अगर बात करें रैली इन द सेंस आ चुकी है और शेयर को दोबारा भाग नहीं है तो पांच छः परसेंट के रिटर्न के लिए 1 -2 में अगर आपको, ए, एक दिन के अंदर अंदर या दो परसेंट अंदर अंदर, तो में चार पैटर्न ऐसा कुछ खास बन नहीं रहा है यहाँ पर अगर हम देखें क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर एक रैली आ चुकी है अगर हम देखते हैं यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर एक चार पैटर्न बन रहा था जो कि कब विध हैंडल पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा था बट ये एक रैली यहाँ पर आ चुकी है अभी कंसोलिडेट कर रहा है दोबारा यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा फिर एक चार्ट पैटर्न बनाएगा जो बनाएगा आगे चल के देखते हैं बट अगर बात करें यहाँ पर कंपनी आपको अच्छा खासा गेन दे सकती है पांच छह परसेंट के रिटर्न के लिए आप जा सकते हैं और लॉन्ग टर्म के व्यू अगर आप रखे तो यहाँ पर ये यह कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म करती है आप देख सकते हैं इनका रेवेन्यू देख सकते हैं इनके प्रॉफिट देख सकते हैं कंपनी का बिजनेस मॉडल देख सकते हैं इनके क्लाइंट देख सकते हैं बाकी बैंक सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए और हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉर को सब्सक्राइब करें करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिलती रहे और दूसरी वीडियोस को भी देखते रहिए सो थैंक यू सो मच गॉड प्लस